नमस्कार। यह वीडियो परमाणु की संरचना अर्थात स्ट्रक्चर ऑफ एटम पर आधारित है। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि क्या परमाणु अविभाज्य होता है या नहीं। हम ये भी सीखेंगे कि क्यों एक तत्व दूसरे तत्व से अलग होता है। हम उप परमाणविक कणों अर्थात सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। हम परमाणु के विभिन्न प्रकार के मॉडल्स के बारे में भी पढ़ेंगे। अब आपके मन में ये प्रश्न तो आ ही रहा होगा कि इस अध्याय को पढ़ने से हमें क्या लाभ होगा। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको किसी रासायनिक प्रतिक्रिया का उत्पाद बताना है तो आपको उन अणु और परमाणु की संरचना के बारे में जानना बहुत जरूरी है। आप ये सीखेंगे कि विज्ञान में सिद्धांतों को किस किस कसौटी से गुजरना पड़ता है और ये सिद्धांत बनते कैसे हैं। आपके मन में ये प्रश्न जरूर आया होगा कि क्या परमाणु अविभाज्य होते हैं। इसका उत्तर है नहीं। इस बात का पहला प्रमाण यह है कि अगर आप दो वस्तुओं को आपस में रगड़ेंगे तो वो एक दूसरे की ओर आकर्षित होंगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन वस्तुओं में विद्युत आवेश आ जाता है। तो इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि परमाणु कम से कम दो अन्य छोटे कणुओं से बना होगा, जिसमें से एक का आवेश धनात्मक होगा जिसे हम प्रोटॉन कहते हैं, और दूसरे कण का आवेश ऋणात्मक होगा जिसे हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। प्रोटॉन का आवेश प्लस ई होता है और इलेक्ट्रॉन का आवेश माइनस ई होता है। यहाँ पे E का मान 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम है। तो हमें अब यह पता है कि परमाणु विभाज्य होते हैं। परमाणु की विभाज्यता को ध्यान में रखकर बनाया हुआ पहला मॉडल थॉमसन का परमाणु मॉडल है। जब थॉमसन ने यह मॉडल दिया था तब तक प्रोटॉन की खोज नहीं हुई थी, परंतु इलेक्ट्रॉन की खोज हो चुकी थी। थॉमसन ने इस मॉडल में यह कहा कि परमाणु एक घनात्मक आवेश का बना हुआ एक गोला है जिसपे इलेक्ट्रॉन बिखरे पड़े हैं और हर परमाणु में ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिणाम में समान होते हैं, इसीलिए एक परमाणु में कुल आवेश शून्य के बराबर होता है। यह कथन इस बात से प्रेरित था कि एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सरल काम था, लेकिन धनात्मक आवेश को बाहर निकालना कठिन काम था। इस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है क्योंकि यह एक केक में बिखरी हुई किशमिश की तरह दिखता था। अब इस मॉडल की वैधता को सिद्ध करने के लिए कई प्रयोग हुए और उनमें से एक प्रयोग था रदरफोर्ड का प्रयोग। रदरफोर्ड के प्रयोग में एक अल्फा कण एमिटर था जो कि गतिशील अल्फा कण छोड़ता था। अल्फा कण द्विआवेशित हीलियम कण होते हैं और इनका वजन प्रोटॉन के वजन का 4 गुना होता है। अल्फा कण एमिटर के सामने गोल की 1000 परमाणु की मोटी एक पन्नी थी जिसपे अल्फा कण टकरा रहे थे। इस पन्नी के पीछे अल्फा कण को पता लगाने के लिए एक स्क्रीन लगाई गई थी। रदरफोर्ड ने यह अनुमान लगाया था कि अल्फा कण गोल की बहुत पतली सी परत से गुजरने के बाद बहुत कम विक्षेपित होंगे, क्योंकि अल्फा कण में इतनी ऊर्जा होती है कि उसकी गति प्रकाश की गति के 5% होती है। अगर परमाणु का वजन और आवेश फैला हुआ रहता जैसा कि थॉमसन मॉडल में बताया गया है तो इतनी तेज गति पर अल्फा पार्टिकल एक गोल्ड की परत से ऐसे चीरता जैसे कि एक गोली टिश्यू पेपर से निकलती है। रदरफोर्ड ने यह पाया कि अधिकतर अल्फा कण गोल्ड की पतली सी पन्नी से सीधे निकल गए। कुछ अल्फा कण छोटे कोण से विक्षेपित हुए, बट कुछ अल्फा कण बहुत ज्यादा कोण से विक्षेपित हुए। और सबसे महत्वपूर्ण परिणाम ये था कि कभी कभी एक अल्फा कण वापस लौट आता था। क्योंकि इस अवलोकन को थॉमस मॉडल से समझाया नहीं जा सकता था, रदरफोर्ड ने इस नतीजे को देखकर यह कहा था कि यह परिणाम उसी प्रकार अविश्वसनीय है जैसे कि अगर आप एक 15 इंच के तोप के गोले को टिश्यू पेपर के टुकड़े पर मारे और वे लौट के आ जाए। रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग के आधार पर अपना मॉडल प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि एक परमाणु का अधिकतर वजन केंद्र में होता है और परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है जिसे नाभिक कहते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्त आकार में चक्कर लगाते हैं। अपने प्रयोग के आंकड़ों के अनुसार रदरफोर्ड ने यह गणना की कि परमाणु की लंबाई नाभिक की लंबाई के 1,00,000 गुना होगी। प्रयोग के दौरान बहुत सारे अल्फा कण परमाणु की खाली जगह से सीधे निकल गए बिना कुछ विक्षेपित हुए। कुछ अल्फा कण नाभिक के काफी पास से गुजरे और बड़े कोण से विक्षेपित हुए, और जो अल्फा कण नाभिक से सीधे टकरा गए वो वापस लौट गए। इस नाभिक का घनत्व 1,00,000 अरब किलोग्राम/मीटर क्यूब है। इस घनत्व के नाभिक से अल्फा कण जैसे गतिशील कण भी वापस लौट जाएगा।
रदरफोर्ड के मॉडल के साथ सबसे बड़ी समस्या ये थी कि मैक्सवेल के सिद्धांत के अनुसार त्वरण के दौरान आवेशित कणों से ऊर्जा का विकिरण होता है। इस प्रकार एक कक्षा में घूमता इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा विकिरित करेगा, इससे उसकी गति और ऊर्जा कम होती जाएगी और इस प्रकार वह नाभिक से टकरा जाएगा। अगर ऐसा होता तो परमाणु को अस्थिर होना चाहिए था, परंतु ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हम जानते हैं कि परमाणु स्थिर होते हैं। परमाणु की अस्थिरता पे जो प्रश्न खड़े हुए थे उनका उत्तर देने के लिए बोर ने अपना मॉडल प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जो कि एक खास समीकरण का अनुसरण करती हों। इस समीकरण के बारे में अब कक्षा 11वीं में और विस्तार से पढ़ेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि इन कक्षाओं में चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा का विकिरण नहीं करते हैं। इन कक्षाओं को ऊर्जा स्तर कहते हैं। आपको एक परमाणु के ऊर्जा स्तरों को यहाँ दर्शाया गया है। सबसे पहली और नाभिक के सबसे पास वाली कक्षा को के नाम से बुलाते हैं या फिर संख्या 1 से दर्शाते हैं। इसी प्रकार दूसरी कक्षा को एल नाम से बुलाते हैं या फिर संख्या 2 से दर्शाते हैं। इसी प्रकार आप अन्य कक्षाओं के नाम भी लिख सकते हैं। परमाणु 3 तरह के उप परमाण्विक कणों से बना हुआ होता है। उनमें से आप प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को जानते हैं। इलेक्ट्रॉन का वजन प्रोटॉन से लगभग 2000 गुना छोटा होता है, परंतु आवेश का मान एक दूसरे के मान का ऋणात्मक यानी नेगेटिव होता है। न्यूट्रॉन एक उप परमाण्विक कण है जो कि नाभिक में पाया जाता है। इसका कोई आवेश नहीं होता। इसका वजन प्रोटॉन के वजन के बराबर होता है। न्यूट्रॉन की खोज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज होने के बाद हुई थी और बोर मॉडल के समय भी न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी। न्यूट्रॉन की खोज सन 1932 में हुई थी। इस वीडियो में हमने ये सीखा कि परमाणु विभाज्य होते हैं और ये 3 उप परमाण्विक कण प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से बने हुए होते हैं। आपने थॉमसन मॉडल के बारे में पढ़ा। थॉमसन ने इस मॉडल में ये कहा था कि परमाणु एक धनात्मक आवेश का बना हुआ एक गोला है जिसपे इलेक्ट्रॉन बिखरे पड़े हैं। आपने रदरफोर्ड के प्रयोग के बारे में जाना और उस प्रयोग के आधार पर बना हुआ रदरफोर्ड मॉडल को पढ़ा। उस मॉडल में रदरफोर्ड ने कहा था कि परमाणु का पूरा वजन और धनात्मक आवेश एक छोटे से क्षेत्र में समटा हुआ है और इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं जिस तरह ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं। अंत में आपने बोर मॉडल का अध्ययन किया और उसमें आपने ये जाना कि इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित कक्षा में ही चक्कर लगा सकते हैं और इस दौरान वो किसी ऊर्जा का विकिरण नहीं करते हैं। हम इस वीडियो में विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के वितरण के बारे में जानेंगे। आप परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या क्या होती है ये जानेंगे और हम इस वीडियो में समस्थानिक और समभारिक के बारे में चर्चा करेंगे और संयोजकता को समझेंगे और उस पर आधारित प्रश्न करेंगे। तो अब आप बोर मॉडल जान चुके हैं। अब हम आपको विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का वितरण के बारे में बताएंगे, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताएंगे। इनमें पहला नियम है 2n स्क्वायर नियम। ये कहता है कि किसी भी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n स्क्वायर से ज्यादा नहीं हो सकती। उदाहरण के लिए k कक्षा के लिए n 1 होता है, इसीलिए k कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या है 2। l कक्षा के लिए n 2 होता है, इसीलिए L कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या है 8। M कक्षा के लिए N 3 होता है, इसीलिए M कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या है 18। अब दूसरा नियम यह कहता है कि सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है। और तीसरा नियम यह कहता है कि इलेक्ट्रॉन दिए गए कक्षा में तब तक स्थान नहीं लेते जब तक अंदर वाली कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन नहीं होता। मतलब सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कक्षा K में प्रवेश करेगा, फिर कक्षा L में प्रवेश करेगा। जब कक्षा L में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 हो जाएगी तब कक्षा M में प्रवेश करना चालू करेगा। अब हम इलेक्ट्रॉन के वितरण पे कुछ सवाल हल करेंगे। अब हम एक प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में इलेक्ट्रॉन का विभिन्न कक्षाओं में वितरण बताइए। पहला तत्व है लिथियम। लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के कक्षा में जाएंगे। के कक्षा की क्षमता 2 ही है, तो बचे हुए एक इलेक्ट्रॉन L शेल में जाएगा। उत्तर हो जाएगा K2L1। दूसरा तत्व है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स K कक्षा में जाएंगे, तो बचे 6 इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि L कक्षा की क्षमता 8 है,
जो कि 6 से ज्यादा है, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स एल कक्षा में चले जाएंगे, तो उत्तर हो जाएगा K2L6। तीसरा तत्व है नियॉन, नियॉन में 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स के कक्षा में जाएंगे, तो बचे 8 इलेक्ट्रॉन्स, जो कि एल कक्षा की क्षमता के बराबर है, तो 8 के 8 इलेक्ट्रॉन्स एल कक्षा में चले जाएंगे और उत्तर हो जाएगा K2L8। चौथा तत्व है सोडियम, सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स के कक्षा में जाएंगे, तो बचे 9 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि 9 इलेक्ट्रॉन्स एल कक्षा की क्षमता से ज्यादा है, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स एल कक्षा में जाएंगे और बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन एम कक्षा में जाएगा, तो उत्तर हो जाएगा K2L8M1। पांचवा तत्व है क्लोरीन, क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स के कक्षा में जाएंगे, तो बचे 15 इलेक्ट्रॉन्स, 15 में से 8 इलेक्ट्रॉन्स एल कक्षा में जाएंगे, तो बचे 7 इलेक्ट्रॉन्स, तो एम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, तो उत्तर हो जाएगा K2L8M7। तो पिछले प्रश्न में आपने अलग अलग तत्वों में इलेक्ट्रॉन के वितरण को जाना। इस प्रश्न में हम पोटेशियम में इलेक्ट्रॉन के विभिन्न कक्षाओं में वितरण का पता लगाएंगे। पोटेशियम में 19 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स के कक्षा में चले जाएंगे, तो बचे 17 इलेक्ट्रॉन्स, 17 में से 8 इलेक्ट्रॉन एल कक्षा में चले जाएंगे, तो बचे 9 इलेक्ट्रॉन। अब एम कक्षा की क्षमता 18 इलेक्ट्रॉन है, तो हम बचे हुए 9 इलेक्ट्रॉन्स को एम कक्षा में डाल देते हैं, तो उत्तर हो जाएगा K2L8M9। परंतु ये उत्तर गलत है, क्योंकि दूसरे नियम के अनुसार सबसे बाहरी कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं, परंतु यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन है, तो सही उत्तर ये होगा कि आप बचे हुए 9 इलेक्ट्रॉन में से 8 इलेक्ट्रॉन को एम कक्षा में डाल दें और बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन एल कक्षा में डाल दें, तो सही उत्तर है K2L8M8N1। अब हम एक परमाणु को निर्धारित करने वाली दो संख्याओं के बारे में जानेंगे। उनमें से पहली संख्या है परमाणु संख्या, इसे अंग्रेजी के अक्षर Z से दर्शाया जाता है। परमाणु संख्या एक परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। अलग अलग तत्वों के लिए यह संख्या अलग अलग होती है, और इसी संख्या से हमें किसी तत्व की विशेषता के बारे में पता चलता है। यही संख्या एक तत्व को दूसरे तत्व से अलग करती है। उदाहरण के तौर पर कार्बन के लिए यह संख्या 6 के बराबर है, और सोडियम के लिए संख्या 11 के बराबर होती है। ये हम जानते हैं कि अगर किसी परमाणु का आवेश 0 है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। अब हम दूसरी संख्या की ओर बढ़ते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहा जाता है, और इसे अंग्रेजी के अक्षर A से दर्शाया जाता है। हमें पता है कि एक परमाणु का वजन सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण ही आता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का वजन प्रोटॉन से काफी कम होता है, इसीलिए हम इलेक्ट्रॉन के वजन को नजरअंदाज कर देते हैं। उदाहरण के तौर पे सोडियम में Z का मान 11 होता है और न्यूट्रॉन की संख्या 12 होती है, तो सोडियम की द्रव्यमान संख्या का मान 23 आता है। हमें पता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का वजन बराबर होता है, इसीलिए दोनों का योग परमाणु के वजन को दर्शाता है, अर्थात द्रव्यमान संख्या परमाणु के वजन को दर्शाती है। सोडियम के परमाणु का वजन 23 यू होता है, यहाँ पे यू एक प्रोटॉन के वजन को दर्शाता है। किसी भी परमाणु को दर्शाने के लिए हमें उसकी द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या पता होनी चाहिए। हम एक परमाणु को इस प्रकार दर्शाते हैं, सबसे ऊपर द्रव्यमान संख्या लिखते हैं, फिर तत्व का प्रतीक लिखते हैं, और फिर परमाणु संख्या लिखते हैं। जैसे कि कार्बन के लिए हम 12C6 लिखते हैं। इन दो संख्याओं को सीखने के बाद अब हम समस्थानिक और समभारिक की चर्चा करेंगे। प्रकृति में ऐसे तत्व पाए जाते हैं जिनमें परमाणु संख्या समान होती है, परंतु द्रव्यमान संख्या अलग होती है। ऐसे परमाणु को समस्थारिक कहते हैं, जैसे कि 12C6 और 14C6। इन दोनों परमाणु में Z का मान 6 है, परंतु न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग है। जैसे कि एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या 6 है, परंतु दूसरे परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या 8 है। हम जानते हैं कि एक तत्व का रासायनिक गुण परमाणु संख्या पर ही निर्भर करता है, जो कि समान है। तो 12C6 और 14C6 में रासायनिक गुण समान होंगे, परंतु भौतिक गुण अलग अलग होंगे।
समस्तारिक को और विस्तार में समझने के लिए हम क्लोरीन का उदाहरण लेते हैं। क्लोरीन प्रकृति में दो रूपों में पाई जाती है, 35Cl17 और 37Cl17। इनका प्रकृति में पाए जाने का अनुपात 3:1 है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्लोरीन परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा, क्या वो 35 के बराबर होगा या फिर वो 37 के बराबर होगा या फिर वो कुछ और ही होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर यह है कि किसी प्राकृतिक तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान उस तत्व में विद्यमान सभी प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले परमाणु के औसत द्रव्यमान के बराबर होता है, और अगर तत्व का समस्थानिक नहीं है तो उस परमाणु का द्रव्यमान द्रव्यमान संख्या के बराबर होगा। लेकिन अगर एक तत्व समस्थानिक रूप में उपस्थित है तो हमें प्रत्येक समस्थानिक रूप के द्रव्यमान को लेके औसत द्रव्यमान की गणना करनी पड़ेगी। जैसे कि क्लोरीन के मामले में हमें क्लोरीन का द्रव्यमान निकालने के लिए क्लोरीन के समस्थानिक के द्रव्यमान का औसत निकालना पड़ेगा, और वो है 35×77/100 +37×25/100 जो कि है 35.5। इस संख्या का तात्पर्य ये नहीं है कि क्लोरीन के कुछ परमाणु के नाभिक में आधे प्रोटॉन या आधे न्यूट्रॉन रहते हैं, बल्कि इसका तात्पर्य ये है कि अगर आप क्लोरीन के कुछ मात्रा लेंगे तो क्लोरीन का औसत द्रव्यमान 35.5U होगा। समस्थानिक को जानने के बाद अब हम संभारिक को जानेंगे। अलग अलग परमाणु संख्या वाले तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या समान है उन्हें संभारिक कहा जाता है, जैसे कि कैल्शियम और आर्गन। कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 है और आर्गन की परमाणु संख्या 18 है, परंतु दोनों की ही द्रव्यमान संख्या 40 है। इनका रासायनिक गुण अलग अलग होता है क्योंकि उनकी परमाणु संख्या समान नहीं है। क्योंकि इनकी द्रव्यमान संख्या समान है तो इनका वजन भी समान है। क्योंकि अब हमने विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के वितरण को समझ लिया है तो अब हम संयोजकता के बारे में पढ़ेंगे। जब लोगों ने अलग अलग तत्वों का अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि जिन तत्वों में सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 थी वो तत्व बहुत स्थिर थे और वो किसी भी तत्व के साथ प्रतिक्रिया नहीं करते थे। क्योंकि हर एक परमाणु स्थिर होना चाहता है, इसीलिए वो बाहरी कक्षा में कैसे भी करके 8 इलेक्ट्रॉन लाना चाहता है। दूसरे तत्वों के परमाणु की संयोजन शक्ति अर्थात अपने समान या किसी अन्य परमाणु से मिलकर अणु बनाने की प्रवृत्ति अपने बाहरी कक्षा को पूर्ण रूप से भरने का प्रयास माना जाता है। अष्टक यानी ऑक्टेट को पूरा करने के लिए परमाणु इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं या फिर उसे त्याग देते हैं या फिर उसे ग्रहण कर लेते हैं। परमाणु अष्टक को पूरा करने के लिए जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी या स्थानांतरण करते हैं उसे तत्व की संयोजकता मानी जाती है। अब हम कुछ उदाहरण से समझेंगे कि परमाणु अपना अष्टक पूरा कैसे करते हैं। पहला उदाहरण है सोडियम। सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है K2Na1। अगर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को त्याग दे तो उसमें 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और उसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी K2L8, यानी उसका अष्टक पूरा हो जाएगा। इस प्रक्रिया में सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को त्यागा है तो उसकी संयोजकता 1 है। दूसरा उदाहरण है फ्लोरीन। फ्लोरीन में 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है K2L7। अगर फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले तो उसके 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी K2L8। इस प्रक्रिया में फ्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है तो इसलिए फ्लोरीन की संयोजकता है 1। तीसरा उदाहरण है कार्बन। कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन है। अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है तो कार्बन के पास 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और उसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी K2L8, यानी उसका अष्टक पूरा हो जाएगा। इस प्रक्रिया में कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करी है तो उसकी संयोजकता है 4। अंत में एक अतिरिक्त प्रश्न। प्रश्न यह है कि आपको निम्नलिखित प्रतिक्रिया का उत्पाद बताना है। पहला प्रश्न यह है कि सोडियम और क्लोरीन मिलकर आपको क्या उत्पाद देते हैं, और दूसरा प्रश्न यह है कि एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन मिलकर आपको क्या उत्पाद देते हैं। इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको अष्टक नियम की जरूरत पड़ सकती है।